लेकिन अगर वही दूसरी तरफ हम करें कोशिश, मून की तरफ देखें, तो चंद्रमा का कितना है भाई 3.2, और चंद्रमा पे हवा का कितना है 5.2। जब हवा बहता है तो चंद्रमा चाह करके भी उसे रोक नहीं पाता, इसलिए चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर आता है जाता है, आता है जाता है, रुकता नहीं है, इसलिए वहां लाइफ नहीं बनी। लेकिन अर्थ के पलायन वेग के कारण, अर्थ के अट्रैक्शन आकर्षण फोर्स की वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर को जाने नहीं देता, और इसलिए जीवन। और आपको अर्थ से निकल करके स्पेस में, अंतरिक्ष में जाना है, तो आपको उस पलायन वेग को पार करना पड़ेगा, यानी आपकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी होगी, तभी आप जाएंगे। अगर 11.2 की जगह 11.1 भी है, फिर भी आप नहीं जाएंगे। तो इसमें इतना पैसा क्यों खर्च हुआ? हमको चंद्रमा पे उतारना बस यही है, तो डायरेक्ट ये भेजे, फिर इतना बड़ा रॉकेट बनाने की क्या जरूरत है? फ्यूल, ईंधन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मेन पार्ट जो है वो छोटा ही होगा, पर उसको इतना बड़ा रखते क्योंकि इसमें ईंधन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करे, और वजन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वजन ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का अट्रैक्शन ज्यादा, खींचेगा ज्यादा तो बल ज्यादा लगेगा, तो ऊर्जा और ज्यादा देना होगा, तो आप और फंसेंगे, इसलिए वजन भी कम होनी चाहिए। तो इसलिए पहले रॉकेट बनाया गया, और इतना बड़ा इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि इसमें जितना हो सके उतना एनर्जी हम स्टोर कर सकते, ठीक है। अब जब हम इसको लॉन्च करते हैं नीचे से, इसको जब हम लॉन्च करते हैं या इसमें आग लगाते हैं या फिर फ्यूल रहता है, ईंधन रहता है अलग, रॉकेट की ईंधन अलग होती है, ठीक है। हम लॉन्च करते हैं तो ये यहां से उड़ता है पूरे फोर्स के साथ, कुछ ऊपर जा करके इसका नीचे वाला पार्ट सेपरेट हो जाता है। वजन कम करो मेन, जो क्योंकि अर्थ के सरफेस पे ही गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा है, अपने जितना नीचे आएंगे उतना बढ़ता जाएगा, तो इस फोर्स को खत्म करने के लिए एक बार बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, तो कुछ ऊपर तक चला गया। अब जाने के बाद कुछ हिस्सा टूट के अलग होगा, फिर से एक बार एनर्जी देंगे, फिर से टूट करके अलग होगा, तो धीरे धीरे चीजें छोटी होती जाती है। और पहले क्या होता था, ये मेन हिस्सा ऊपर जाता था, ये सारी चीजें गिरती थी, तो गिरते थे तो किसी के घर पे गिर जाता था, कोई जंगल में गिर जाता था, कहीं गिर जाता था तो आग लग जाता था। तो गवर्नमेंट रूल बनाई कि जहां पर अगर किसी के घर पे यहां वहां गिरेगा तो उसको मुआवजा मिलेगा 100 करोड़ प्रैक्टिकली। इसलिए तो अब क्या होता है, इन सारे में छोटे छोटे क्या होते हैं, मोट मशीन सारी चीजें फिट होती है कि अगर ये ऊपर वाला जाए ये टूट के अलग हो, तो ये जैसे छोटे छोटे जहाज को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, उस तरह इसको कंट्रोल करके वापस उतार लिया जाता है, या फिर समुद्र में गिरा दिया जाता है, उतार लिया जाता है। तो वापस जब उतार लेंगे तो फिर से किसी दूसरे को लॉन्च करेंगे तो हमारा पैसा बचेगा। अब ये सिस्टम अपनाया जाता है, पहले वो टूट के कहीं भी गिरते थे बीच बीच में, लेकिन अब कहीं नहीं गिरते, ठीक है। अब मान लो बाकी सब अलग हो गया, मेन वाला ऊपर जा रहा है, अभी भी फ्यूल बचा के रखेगा। अब जब अर्थ के उस अट्रैक्शन फोर्स को पार करने की बारी आई, जो बीच में मोटी सी लेयर है जिसको हम बात कर रहे हैं, तो वो एक बार में अपनी पूरी एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, और पूरी एनर्जी को इस्तेमाल करके उसको अर्थ के उस फील्ड को, उस आकर्षण को छेद करके पार जाएगा। और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 11.2 से ज्यादा होना चाहिए। और जैसे ही ज्यादा हुआ, एक बार पार कर गया, बाकी कहानी खत्म। अब आप कम एनर्जी में भी चाहे चंद्रमा पे अर्थ पे ले जाए, चाहे मार्स पे ले जाए, हर जगह सक्सेस होगा, लेकिन पूरी एनर्जी आपकी उतनी होनी चाहिए। यानी आपको हम कभी भी यहां से फेंक करके स्पेस में भेज, क्योंकि आप भेजेंगे उस लेयर के पास जाकर के जाएंगे, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स एक तेजी से आपको खींच लेगा। अगर हम आपको उस तरफ भेजना चाहते हैं तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो इस तरीके से इतना एनर्जी देकर के इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद जब इसको चंद्रमा पे उतारा गया, तो चंद्रमा पे उतारने के बाद उसके अंदर से ये देखिए विक्रम लैंडर ये बाहर निकला, और इसमें देखो मेन एक्चुअल हमको जरूरत बस इतनी छोटी सी चीज थी जिसको रोजर कहते हैं, एक इतनी सी छोटी सी चीज के लिए हमने इतना बड़ा रॉकेट लॉन्च किया, पहुंचाना हमें बस वो, और उसमें भी क्या है, कैमरा, और क्या है, कैमरा। और ये मत समझिए कि यही कैमरा है जो आप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कैमरे अलग है, ठीक है। और ये क्या करता है, कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट हो गए, मेटल डिटेक्टर जो ये डिटेक्ट करे कि कौन सा अर्थ और मार्स के या फिर मून पे जा रहा है, तो मून के सरफेस पे कौन कौन सी धातु है ये क्लियर करे, या उसका फोटो खींच करके सेंड करे, आपको पता चले। आप देखे होंगे ना मिशन मंगल, मंगल मिशन मूवी आप देखे होंगे, उसमें क्या होता है, मंगल का फोटो ही तो भेजता है शुरुआती। हाँ, तो आपको इससे समझने को मिलेगा कि उसका अर्थ
उसका सरफेस कैसा बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या बना है, ये सब समझने को मिलता है। समझ में आया? तो इस तरीके से इसको भेजा गया था वहां जीवन के लिए, ये समझने के लिए कि वहां पानी है कि नहीं, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां रहा जा सकता है कि नहीं। इसके पहला जो भेजा गया था वो नॉर्थ साइड पे उतारा गया था, जहां आज तक कोई नहीं गया है, अंधेरा क्षेत्र, लेकिन उसका संपर्क टूट गया और आप हम जानते हैं कि वो मिशन हम लोगों का सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन तीसरा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ? इसरो की वजह से। किसी को नासा नहीं ना लगता है, नासा इंडियन नहीं है, इसरो है इंडियन स्पेस, है ना। तो इसलिए ये मॉडल काफी अच्छा है, इन्होंने जो समझाया वो अच्छा है।